Hey everyone, welcome back to the channel and welcome back to another blog. तो ये ब्लॉग कोरापुट इको रिट्रीट का होने वाला है। अगर आप लोगों ने कोरापुट इको रिट्रीट का सिनेमैटिक शॉट नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। आई होप कि आपको वो वाला भी अच्छा लगेगा। एंड ये जो ब्लॉग ना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे DMs आ रहे थे कि इन्फॉर्मेटिव वाला ब्लॉग बनाओ, तो ये हाजिर है आपके सामने। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं हूँ एक स्पेशल जगह पे और एज यू कैन सी द लैंडस्केप बिहाइंड मी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं हूँ स्विट्जरलैंड ऑफ ओडिशा, विच इज़ कोरापुट। तो मैं पहुँच गई हूँ, तो रास्ते में थोड़ी देर हम लोग रुक गए हैं। तो 14 आवर्स की जर्नी हम लोग कंप्लीट कर लिए राउकला टू कोरापुट। 14 आवर्स की जर्नी था बस से, और अगर आप भुवनेश्वर से लेते हो ना बस, तो आपको 10 घंटा लग जाता है। और 10 घंटे या फिर 14 आवर्स का जर्नी करने के बाद ये नज़ारा देखने को मिलेगा, तो ये टोटल फीस्ट है अपने आइज़ के लिए एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं ग्लैम्पिंग करने, यानी कि इको रिट्रीट पुट सिल कोरापुट का। और ये इसके बाद ये जो इस साल का जो इको रिट्रीट ख़त्म हो जाएगा, सो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इको रिट्रीट में जा रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग पर बने रहिए और देखिए ब्यूटिफुल सा नज़ारा फ्रॉम कोरापुट। रास्ता इतना खूबसूरत था कि पता ही नहीं चला हम लोग कब पहुंच गए। और पहुंचते ही इलेक्ट्रिक कार्ट होता है ना, उसमें ही हम लोग का सामान लगेज वगैरह सब उन्होंने रख लिया और हम लोग चल पड़े रिसेप्शन की तरफ। देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक कार्ट में ही सारे गेस्ट को अंदर लेके जाते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसके बाद साइड में ही है हमारा रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन का इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत था, देख सकते हो सिटिंग एरिया है, वाटर बॉटल, एवरीथिंग यहाँ पे है, जहाँ पे आप आराम से अपना यू नो चेक इन कर सकते हो। और सबसे पहले आधार कार्ड, आपका बुकिंग सब कुछ चेक करने के बाद वो देते हैं आपको कैप एंड टी शर्ट, सच अ स्वीट जेस्चर। उसके बाद आपको वेलकम ड्रिंक भी दिया जाता है, जो मैं पी के तो एकदम फ्रेशन अप हो गए। उसके बाद बारी थी टेंट की तरफ जाने के लिए, तो मेरा था डिलक्स और वही इलेक्ट्रिक कार्ट में ही वो अपने टेंट की तरफ भी लेके गए। मेरा था D5 और बाहर से मेरा टेंट इस तरीके का दिखाई दे रहा था, अंदर सारा कुछ मॉडर्न एमिनिटीज अवेलेबल है। टेंट के अंदर इतना सारा चीज़ देख के तो मैं एकदम शौक ही रह गई, सारा कुछ यहाँ पे है गाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ। ओके, सो नहा धो के फ्रेश होने के बाद वी आर गोइंग फॉर अ लंच एंड उसके बाद हम लोग 3 बजे निकल जाएंगे साइट सीइंग करने, जो इन्हीं के तरफ से ही है, जो इंक्लूडेड है पैकेज में। तो देखते हैं क्या क्या जगह घुमाने लेके जाते हैं, तो ब्लॉग पे बने रहिए। सो ये एरिया जो है स्टार्टर रखा गया है और आगे लंच जो भी है, तो मैंने लिया है गोभी का ये फ्राई, जो मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो अभी 3 बजे हैं, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं साइट सीइंग। और ये जो पैकेज है ना, ये साइट सीइंग इसी में इंक्लूडेड है। तो आज Day 1 में वो लोग लेके जाएंगे दुधारी रिवर साइड और कॉफ़ी गार्डन, जो यहाँ का फेमस जगह है जिसके लिए कोरापुट जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा ये जगह है और लेट्स गो। अगर आपको एक कोरापुट एक्चुअली में घूमना है ना, आप कोरापुट ही घूमने आना। हम लोग आए थे इको रिट्रीट घूमने, तो उनके थ्रू ही हम लोग साइट सीइंग करने जा रहे हैं, जो उनके मतलब उनके सिलेक्टिव लोकेशन में से है। जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी गार्डन एंड ऑल, बट यहाँ पर और भी बहुत अच्छे अच्छे जगह, जैसे कि कोलाब डैम और बाल्टा कैप्स, एंड यहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। बट अभी तो वो हम नहीं जा पाएंगे, बट कभी मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पे सिर्फ कोरापुट का एक्सप्लोर करने। बट आज हम लोग जाने वाले हैं दुधारी रिवर साइड एंड कॉफ़ी गार्डन, जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं। Oh, 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 oh
का साइट सीइंग प्लेसेस था कॉफी गार्डन एंड दुधारी रिवर साइड। तो सबसे पहला लोकेशन था कॉफी गार्डन और हम लोग पहुंच गए थे। एंटर करते ही हम लोग आराम से घूमे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे देखना था कॉफी के जो चेरी होते हैं ना, वो देखने का मन था। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग दिसंबर में पहुंचे थे, नवंबर तक वो सारे हार्वेस्ट हो चुके होते हैं तो नहीं देखने को मिला। बट घूमने में बहुत मजा आ रहा था, देख सकते हो फोटोशूट करने के लिए काफी सही जगह है। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत जगह पे आपको कॉफ़ी का ये जो प्लांटेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे कॉफ़ी के साथ साथ ना ब्लैक पेपर भी उगाए जाते हैं। तो ये कैसे शुरुआत हुई मैं आपको बताती हूँ। तो सन 1930 में राज बहादुर रामचंद्र देव जी ने एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक बीज यहाँ पे लगाया था कॉफ़ी का, और 100 ईयर्स के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्प्राउट्स हो गया है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो कॉफ़ी का जो पौधा ग्रो हुआ था। उसके बाद ही उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन करना बहुत सही रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कॉफ़ी का जो प्लांटेशन का जो शुरुआत हुई थी। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी का कॉफ़ी भी लगाए जाते हैं। और बगल में एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे आप कॉफ़ी भी पी सकते हो और कुछ खा पी भी सकते हो। तो अभी तो शाम हो चुकी है, यहाँ का ब्यूटी स्टिल बहुत खूबसूरत है, बट सुबह सुबह यहाँ का जो ब्यूटी होता है ना और भी खूबसूरत होता होगा। तो हाँ, मैं तो घूम घूम के एकदम से थक गई हूँ यार, बट बहुत सुंदर जगह है। कॉफ़ी का चेरी देखने को नहीं मिला बट कॉफ़ी पीने तो मिला। यहाँ पे छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे आप कॉफ़ी ट्राई कर सकते हो एंड कॉफ़ी बीन्स भी लेके जा सकते हो अपने साथ परचेज़ करके, कोरापुट कॉफ़ी जो यहाँ का स्पेशलिटी है। तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी ही लेती हूँ, तो मैंने मंगाया कैपेचिनो। ये उनका मेन्यू है, 110 से शुरू होता है, 170 तक प्राइस है। तो मैंने मंगाया कैपेचिनो और मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा क्योंकि मैं बहुत बड़ी कॉफ़ी लवर, जितना चाय पीती हूँ उतना कॉफ़ी भी अच्छा लगता है। तो मेरा वॉस जिप मैंने जब लिया ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और शाम हो गई थी तो हम लोग निकल पड़े हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जो है दुधारी रिवर साइड। तो भाई शाम होने को आई है और हम है दुधारी रिवर साइड में। तो ये एक बेसिकली पिकनिक स्पॉट है और दुधारी जो है ना सिमलीगुड़ा का एक विलेज है जिसको दुधारी बोला जाता है। तो ये जो रिवर दुधारी में पड़ता है इसलिए इसको दुधारी रिवर साइड बोलते हैं। तो ये जो प्लेस देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है एंड शाम में यहाँ पे थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है बट बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। बट उधर आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी है क्योंकि पिकनिक अभी चल रहा है। तो ये जो जगह है ना कोरापुट से 17 किलोमीटर दूर है, जो मेन कोरापुट से, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो इतना भी कुछ खास जगह नहीं है बट पिकनिक स्पॉट के लिए ये पिकनिक स्पॉट है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बट नथिंग मोर स्पेशल अबाउट दिस प्लेस, बस ये फ्लोइंग वाटर की जो है जो इस जगह को थोड़ा सा खास बनाता है। बट अंदर आने के लिए ना आपको ऑफ रोडिंग टाइप का फील होगा क्योंकि रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आने के लिए आई थिंक यहाँ पे अच्छा अगर रोड बना देते तो अच्छा होता। बट द प्लेस वॉज क्वाइट नाइस एंड सिंपल। करके हम लोग आ गए, अभी जा रहे हम लोग चाय पानी करने मतलब या हाई टी का भी बंदोबस्त किया गया है, ऑब्वियसली सारा कुछ इंक्लूडेड है। और यहाँ पे अभी होगा कल्चरल प्रोग्राम, बहुत कुछ तो मैं आपको दिखाऊंगी, आपको बैकग्राउंड में साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। और जो भी अच्छी अच्छी जगह है ना वो लोग इनके लिस्ट में है, वो जगह इनके लिस्ट में है ही नहीं।